अगर मैं आप लोगों को ये जावास्क्रिप्ट कोड दूं और आप लोगों से पूछूं कि इसका क्या आउटपुट होगा, तो आप लोग मुझसे यही कहोगे कि यार क्या मजाक करते हो एरी भाई, इसका आउटपुट तो वन ही होगा। सिंपली एक वेरिएबल है, उसको इंक्रीमेंट किया जा रहा है और वापस से प्रिंट किया जा रहा है, तो यार इसमें पूछने वाली क्या बात है। लेकिन कैसा लगेगा आपको अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका आउटपुट वन नहीं जीरो होगा। ये प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल है, लेकिन एक बहुत बड़ा कैच है, और कैच ये है कि यहाँ पर जो ए आपको दिखाई दे रहा है वो ए लैटिन स्मॉल केस ए है, और ये वाला ए जो पर यूज किया गया इस कोड के अंदर वो सिरिलिक स्मॉल केस ए है। यानी कि ये दोनों दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन ये दो अलग-अलग वेरिएबल हैं, जैसे ए या बी, पी या क्यू, एक्स या वाई, ये दोनों अपने में अलग अलग वेरिएबल्स हैं। इसलिए ये वाला वेरिएबल अपने में अलग से इनिशियलाइज हो रहा है और ये अपने में अलग से इनिशियलाइज हो रहा है, और जिस वेरिएबल को हमने इंक्रीमेंट किया ही नहीं वो जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो एज इट इज प्रिंट हो जा रहा है। क्या आप लोग इस सवाल का सही जवाब दे पाए मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताना, और अपने दोस्तों को इस क्वेश्चन को पूछकर जरूर फंसाना।